अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हमज़ा अब्दुल सत्तार HM चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं इनकम टैक्स डिसीजन एंड रिटर्न फाइलिंग के इस ऑनलाइन कोर्स में। और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है बिजनेस इनकम। इससे पहले हमने NTN के हवाले से बात की थी, NTN रजिस्ट्रेशन की, NTN इनरोलमेंट की, और चेंजेस इन टैक्स प्रोफाइल में उसमें कैसे बिजनेस ऐड करेंगे और कैसे बिजनेस डिलीट करेंगे। अच्छा, जो बिज़नेस आप ऐड करेंगे, वो बिज़नेस आप जो कंडक्ट कर रहे होंगे, वो आप टैक्स प्रोफाइल में किस तरह उसको ऐड कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड बात की थी। आज हम डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे बिज़नेस इनकम के हवाले से। अच्छा, उसमें सबसे बहुत ही अहम चीज़ जो है वो फ़र्क करना ज़रूरी है, डिफरेंस करना ज़रूरी है कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो मेरी आया मेरी बिज़नेस इनकम है या वो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अच्छा, उसको फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो बिज़नेस इनकम होती है उसके अगेंस्ट आपको एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। पहले भी हमने जो शायद आपसे टैक्स कार्ड जो है वो शेयर किया था, जो पाकिस्तान में सैलरी के टैक्सेशन का रेट अलग है और बिज़नेस इनकम है उस पर टैक्सेशन के रेट्स अलग हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है इस चीज़ को डिस्टिंग करें कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो आया आपकी बिज़नेस इनकम है या एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये है कि जो बिज़नेस इनकम होती है उसके अगेंस्ट आपको एक्सपेंसेस अलाउड हैं। आपने किसी को सैलरी दी, कोई प्रोडक्ट परचेज़ की, उसकी जो कॉस्ट है, आपका जो ऑफिस का जो रेंट दे रहे हैं, वो सब आपको अलाउड होगा। जबकि एम्प्लॉयमेंट इनकम के अगेंस्ट ये हमारा डिस्कशन हो चुका कि कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, बल्कि आपको जितने बेनिफिट्स मिलेंगे अगर अलाउंस की फॉर्म में मिलेंगे तो वो भी टैक्सेबल हैं। अच्छा, एक और फ़र्क जो है जो बिजनेस इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए है, उसके लिए जो है वो इस फ़र्क को समझने के लिए आपको एक क्राइटेरिया में दिया गया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आया जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस इनकम है या फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अच्छा, इसके लिए पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस क्या है। कोई भी देखें, कोई भी चीज़ जो आप ट्रेड के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव से कि आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये आपका बिजनेस कहलाएगा। अब चाहे वो आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हों या अपनी सर्विस सेल कर रहे हों, जैसे हम लोग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम अपनी फॉर्म चला रहे हैं, तो ये हमारी जो इनकम है वो भी हमारी बिजनेस इनकम है। अच्छा, इसके लिए ये तीन क्राइटेरिया हैं चेक करने के लिए कि आपकी इनकम जो है वो बिजनेस इनकम में फॉल करेगी या एम्प्लॉयमेंट इनकम में फॉल करेगी। ठीक है, सबसे पहला जो उसमें क्राइटेरिया है वो ये है, ये चेक करने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपना खुद का काम कर रहे हैं या आप किसी और का काम कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपको सैलरी मिल रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट मुझे कोई सेल करने पे कोई सैलरी नहीं मिल रही। जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा उसके अगेंस्ट जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मैं जेब में रख लूँगा। मुझे वो पैसे किसी को देने नहीं है या किसी ने मुझे वो पैसे नहीं देने, तो वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरी रेमुनरेशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो चेक करने की होगी वो ये है कि जो काम करने वाला है वो कौन है, वो काम करने वाला इंडिविजुअल है। देखें, अगर कंपनी को एक सर्विस दे रही है, कंपनी कोई काम कर रही है, तो कंपनी तो एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न नहीं कर सकती। इसका मतलब कंपनी तो जो है वो प्रॉफिट करने के लिए ही बनाई गई है। अगर कंपनी या फर्म कोई सर्विस दे रही है तो वो काम कर रहा है और या तो जो है वो खुद ही अपने बिजनेस सेल कर रहा है, खुद ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, खुद ही डील कर रहा है, या वो किसी के बिहाफ पे प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे हमारी फर्म है जैसे HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर इसका इंडिविजुअल है कोई इसमें काम करने वाला है, वो कंपनी के बिहाफ पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब टैक्स की सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है किसी को, लेकिन वो चूंकि फर्म का पार्ट है वो सर्विस इंडिपेंडेंटली नहीं दे रहा, अपने उसके ऊपर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, वो आगे सर्विस जो है वो किसी और के बिहाफ पे दे रहा है। अच्छा, अगर मैं अपनी फर्म के बिहाफ पे खुद कोई सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो मेरी बिजनेस इनकम है, तो कि मैं आगे जो है वो किसी और के बिहाफ पे सर्विस नहीं दे रहा, मैं सर्विस अपने ही बिहाफ पे दे रहा हूँ। तो ये तीसरा क्राइटेरिया चेक करने का। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट अपनी ही शॉप खोल के अपनी ही दुकान पे अपनी ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए अर्न कर रहा है, वो उसकी बिजनेस इनकम है।
अगर वो प्रोडक्ट जो है किसी और ने उसके पास रखवाई भी है और कहा है ये प्रोडक्ट मेरी बेच दो और तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो वो फिर उसकी जो है वो बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम हो जाएगी। इसका मतलब है वो उसकी दुकान पे बंदा काम कर रहा है और उसको उसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट बेचने के अगेंस्ट में सैलरी मिल रही है। तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनको चेक करेंगे। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ये क्राइटेरिया चेक करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम और बिजनेस इनकम के पाकिस्तान में स्लैब्स अलग अलग हैं, एक ही स्लैब नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं। दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के अगेंस्ट जो है वो कोई भी आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्सेबल होती है, जबकि जो बिजनेस इनकम है उसके अगेंस्ट आप जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट परचेज से रिलेटेड किए हों, चाहे आपने जो है वो सैलरी से रिलेटेड किए हों, चाहे रेंट दिया हो, चाहे स्टेशनरी परचेज की हो, चाहे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, ये अगर आपने किए हैं तो सारे आप एक्सपेंसेस एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपने टैक्स देना होगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कौन कौन सी इनकम कवर होती है? अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन सी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चार्ज होंगी? अच्छा, ये हमारे इसके बारे में डिस्कशन रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, उसमें हम देखेंगे कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है और अगर वो मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो वो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम तो नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने रेंट के ऊपर दी हुई है वो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, वो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं जाएगी, उसका भी एक अलग स्लैब है। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने पैसे बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसके ऊपर मुझे बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो है वो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या शेयर्स के ऊपर मुझे कैपिटल गेन मिल रहा है, तो वो मेरे जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे, वो मेरे इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट नहीं होंगे। उनके अगेंस्ट भी मुझे कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। अगर मैंने शेयर्स में ट्रेडिंग की और उससे प्रॉफिट अर्न किया है तो वो उसके ऊपर मेरा कैपिटल गेन मिलेगा और मुझे कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होगा। ये इंशाल्लाह हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर काफ़ी डिटेल में इसमें कवरेज हुई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में फिर मेरी कौन कौन सी इनकम कवर होगी? अच्छा, इसमें सबसे पहली इनकम जो मेरी कवर होगी ये होगी प्रॉफिट और गेन जो बिजनेस से मुझे ड्राइव हुआ हुआ है, ठीक है ना। पूरे साल में फिस्कल ईयर में 1 जुलाई 2019 से लेकर टैक्स ईयर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 30 जून 2020 तक जो भी मैंने प्रॉफिट और गेन किया है बिजनेस में, प्रोडक्ट अपनी सेल करके या अपनी सर्विस सेल करके, तो वो जो भी है वो मुझे वो मेरा बिजनेस इनकम का पार्ट है। इसी तरह वो इनकम जो किसी प्रोफेशनल ने अर्न की हो कोई ट्रेड करके या जो है वो सर्विस प्रोवाइड करके अपने मेंबर्स को या किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न की हो, तो वो उसकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। इसी तरह तीसरे नंबर के ऊपर जो है जो मेरी इनकम जो है इसी तरह मेरी जो है वो लीज और हायरिंग से रिलेटेड अगर कोई टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, और अगर मैं अगर लीजिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई लीजिंग कंपनी हूँ और मैंने अगर जो है इसको लीज पे दे दिया है या हायर पे दे दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे रेंटल्स मिलेंगे वो मेरी बिजनेस इनकम कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट सेल की, प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसने मुझे जो है कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया, मतलब मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे अगर किसी ने कोई गाड़ी दे दी, बोला ये मैं आपकी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आप बदले में मेरी ये गाड़ी ले लो। अच्छा, वो जो व्हीकल होगी उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो मेरी, इसका मतलब है वो मेरी सेल प्राइस है, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी अगर वो मैंने बिजनेस रिलेशनशिप के थ्रू अर्न की है कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट या किसी सर्विस के अगेंस्ट। अगर मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ और मैंने किसी को कोई सर्विस दी है, कोई अकाउंटिंग सर्विस दी है, और उसके अगेंस्ट उसने मुझे कैश नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे कोई गाड़ी दे दी या आपने कोई प्रॉपर्टी दे दी, कुछ भी दे दिया, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो मेरी इनकम कहलाएगी और वो मेरी बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर कोई मुदारबा कंपनी है तो जो मुदारबा कंपनी की जो मैनेजमेंट फी होगी, जो मैनेज करने की मुदारबा कंपनी फीस चार्ज करती है, वो उस मुदारबा कंपनी की जो है वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। अच्छा, अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखना जरूरी है कि जो बिजनेस इनकम होगी उसकी अकाउंटिंग की बेसिस क्या होगी। अच्छा, सैलरी में हमने डिस्कस किया था कि सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है रिसीव बेसिस के ऊपर। जब मुझे सैलरी मिलेगी, सैलरी जिस टाइम रिसीव होगी उस टाइम जो है वो मेरी सैलरी रिसीव टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो बिजनेस इनकम है इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक ये है कि आप इसको अपनी बिजनेस इनकम को एक्यूरल बेसिस पर टैक्स करवा लें, एक ये है कि कैश बेसिस पर करा लें। अच्छा, उमूमन जो इंडिविजुअल्स होते हैं
वो अपनी बिजनेस इनकम को कैश बेसिस पे ही टैक्स करवा रहे होते हैं। अच्छा, अगर कंपनी है और कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रही है तो कंपनी की इनकम तो जो है वो एक्यूरल बेसिस पे ही टैक्सेबल होगी। वो अपने जिस तरह उसके अकाउंट्स में जिस तरह वो एक्यूरल रिसीवेबल वगैरह डिस्क्लोज होंगे, जो सेल डिस्क्लोज होगी, उसी की बेसिस पे वो टैक्सेबल इनकम भी उसकी देखी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को जो है वो FBR ने जो है वो सहूलत के लिए जो है दो ऑप्शन दिए हुए हैं। वो क्या है? एक ये है कि आप अपनी इनकम को जो है कैश बेसिस पे चला लो, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ज़्यादातर इंडिविजुअल अपनी इनकम को कैश बेसिस पर ही टैक्स करवाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी इनकम को जो है वो एक्यूरल बेसिस पर टैक्स करवा लो। अच्छा, लेकिन अगर आपने एक पैटर्न फॉलो कर लिया कि आपने जो है वो टैक्स ईयर 2019 में अपने आप को मिसाल के तौर पर रजिस्टर कराया, जुलाई 2018 से 30 जून 2019 का रिटर्न भरा आपने, और उसमें आपने जो है वो अकाउंटिंग बेसिस जो है कैश बेसिस अपनी सेलेक्ट कर ली कि मैं जो है कैश बेसिस के ऊपर जो है वो टैक्स दिया करूंगा, यही मेरा अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अब जब आप टैक्स ईयर 2020 में आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप नेक्स्ट ईयर ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो मैं एक्यूरल बेसिस के ऊपर जो है वो अकाउंटिंग करूंगा। आपने कैश बेसिस के ऊपर ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई एक्सपेंस जुलाई 2020 में इनकर किया है तो आप 30 जून 2020 के टैक्स रिटर्न में फिर उसको नहीं ले सकेंगे। आपने जो है वो एक ही मेथड फॉलो करना है। हाँ, अगर आपने जो है 2019 में कैश बेसिस फॉलो किया है और अगर आप 2020 के अंदर जो है एक्यूरल बेसिस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और अगर कमिश्नर उसकी अप्रूवल दे देगा तो फिर आप अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर कमिश्नर जब तक अप्रूवल नहीं देगा, आप जितने भी टैक्स ईयर हैं उनमें वही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे जो आपने पहले साल ऑप्ट कर ली है। आप बार बार इसको बीच में अपनी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें जो इनकम और एक्सपेंस के जो है बिजनेस इनकम में जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अगर आपको इंडिविजुअल है और आपने कैश बेसिस ऑप्ट कर ली, तो जितना जो आपका जो टर्नओवर है, जो आपके अकाउंट में साल में पैसे आए हैं जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक, इसका मतलब वो आपका कैश बेसिस पे आपका टर्नओवर हो गया, तो वो तो आपकी हो गई सेल। वो आपने पूरी की पूरी सेल जो है वो अपनी रिटर्न के अंदर शो कर देनी है कि मेरी सेल है। अच्छा, जो आपने फिर जो नेट जो आपकी परचेजेज होंगी और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस करने के बाद वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगी। अच्छा, उससे रिलेटेड नीचे जो है वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो जो एक्सपेंसेस जितने भी आएंगे उनका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। देखिए, बहुत से एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो मैं अकाउंटिंग के अंदर करता हूँ लेकिन टैक्स में वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, मिसाल के तौर पे, या टैक्स में मैं कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो टैक्स में अलाउड होते हैं लेकिन वो अकाउंटिंग में हम उनको कंसिडर नहीं करते। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, टैक्स वाला जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ये तो एस्टिमेट है, हर बंदे का अपना अपना है। कोई कहता है कि मेरे 5% रिसीवेबल जो है वो मुझे पैसे नहीं देंगे, किसी का होता है वो 10% के हिसाब से अपने रिसीवेबल के ऊपर प्रोविजन बुक कर लेते हैं। टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई रिसीवेबल आपका पक्का हो जाएगा कि अब ये मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, आप उसको बेडेड एक्सपेंस अपने PNL में अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, जब उसको आपका उसको बेनिफिट मिलेगा, जब आप उसको एज अ टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अकाउंटिंग, इसी तरह जो है वो डेप्रिसिएशन की बात है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो अलग होती है, टैक्स की डेप्रिसिएशन के अलग रेट हैं, वो भी हम इसको नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो देखें डेप्रिसिएशन होती है वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है, वो एक अंदाज़ा है, हर बंदे का अपना अलग अंदाज़ा है। किसी ने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी ली, वो कह रहा है कि जो है इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 15% है, किसी ने जो है उसकी 20% प्लांट एंड मशीनरी ली। कोई बंदा बोलेगा कि नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी एक ही साल में डेप्रिसिएट हो जाएगा और पूरा बेनिफिट पहले साल में लेके बैठ जाएगा। इसलिए जो है वो टैक्स वालों ने जो है अपने डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हैं कि आपने टैक्स डेप्रिसिएशन इस हिसाब से काउंट करनी है, और जो आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसके अंदर जो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो एड बैक हो जाएगी। जो ये जनरल कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा होगा, और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो फिर उसमें से आपके इनकम में से माइनस हो जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चूंकि सबकी अलग अलग होती है, उसमें तो कुछ लोग फ्रॉड कर देंगे, 5 लाख रुपये का एसेट है उसमें जो है वो 4 लाख रुपये 3 लाख रुपये पहले ही साल में जो है एक्सपेंस ले लेंगे और जो है अपना टैक्स बचा लेंगे। तो इसलिए जो है ये टैक्स वालों ने जो है इस बात को कंसिडर करते हुए कि ये हर बंदे का अपना एस्टीमेट है, उन्होंने जो है अपने रेट्स दिए हैं कि आपका जो अकाउंटिंग, चाहे आपकी जो भी पॉलिसी हो और जो भी जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, टैक्स वालों को उससे कोई एतराज़ नहीं। आप अपनी बुक्स में जो मर्जी चेक करते हैं, लेकिन टैक्स परस्पेक्टिव से टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए आपकी जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी वो एडबैक हो जाएगी, और टैक्स वाली जो डेप्रिसिएशन है वो फिर आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। उसके रेट्स क्या हैं, उसके ऊपर क्या क्या अलाउंसेस मिल सकते हैं, उसका भी हम नीचे उसको डिस्कस कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देर मे बी ऑल्सो बी सिचुएशन वेयर अ पर्टिकुलर आइटम इज अ टैक्स एक्सपेंस बट नॉट चार्ज टू अकाउंट। इसकी इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो इनिशियल अनाउंस ऑन आई एसेट। टैक्स की जो है वो फील्ड के अंदर जो है आपको पहले साल एसेट्स लेने के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है वो इनिशियल अनाउंस देती है, 25% ऑफ जो है वैल्यू का आपको इनिशियल अनाउंस मिलता है, उसको आप एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपका कोई इनिशियल अनाउंस नहीं है। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर कोई एसेट आप 20% डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो स्ट्रेट 20% पे 5 साल में डेप्रिशिएशन आप उसकी बुक करेंगे। अच्छा, अब टैक्स के हवाले से जो है वो जो जनरल मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या है। देखिए एक तो है ये है कि आपने एक एक्सपेंस है अपने बिजनेस में वो इंकर कर लिया, स्टेशनरी का एक्सपेंस इंकर कर लिया, एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस इंकर कर लिया, वो तो आपके अलाउड एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, लेकिन आपने जो है वो एक आपको टैक्स लग गया या आपने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया तो लोग समझते हैं कि ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन ये आपका एक्सपेंस नहीं है, जो आपने जो भी आपने टैक्स पे कर दिया है आपका एडवांस या आपका विथहोल्डिंग कहीं कट गया है, आपका बैंक पे कट गया है, आपने नॉन फाइलर थे पहले और 50,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन किया आपका वहाँ विथहोल्ड हो गया, या आपने जो है वो अपनी ऑफिस में जो है किसी कंपनी का इंटरनेट लगा चुका है और उन्होंने विथहोल्ड कर लिया, तो आप इसको टैक्स को एज अ बिजनेस एक्सपेंस नहीं ले सकते। इसको आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे और जो आपने अमाउंट पे किया हुआ है ये आपकी एडवांस पेमेंट कराई जाएगी और आपकी टैक्स से एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंस आपका नहीं है। कुछ लोग उसको पीएनएल में बिजनेस में एक्सपेंसिस के अंदर ही मिसिलिनियस में से माइनस कर देते हैं। ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, आपने अपनी सेल दिखाई, कॉस्ट ऑफ सेल दिखाई, सारे बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर लिए, आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब वहाँ जो उसके बाद जो टैक्स की अमाउंट बनेगी आपने उसको स्लैब के जरिए निकाला, मिसाल के तौर पे आपकी टैक्स की अमाउंट बनती है 30,000, तो जो भी आपका एडवांस टैक्स 10,000-15,000 कट चुका है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जिन्होंने जो है पीएनएल बनाया उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा वहां पर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो विथहोल्डिंग टैक्स जिसके ऊपर जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स कटना चाहिए उसकी क्या ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जिसके अगेंस्ट आपने विथहोल्डिंग टैक्स काटना है और अगर आपने उसका विथहोल्डिंग टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो वो एक्सपेंस आपको टैक्स में अलाउड नहीं होगा। जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है इसी तरह वो एक्सपेंस भी आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा कोई इंप्लॉई है उसकी सैलरी साल की सैलरी का जो स्लैब है वो 6 लाख तक साल में कोई सैलरी नहीं है, 6 लाख के बाद सैलरी पर टैक्स है। अगर उसकी सैलरी है साल की 8 लाख रुपए, पूरा साल मेरे पास ही रहा, मैंने बोला ये 8 लाख जो है मैं अपना एक्सपेंस टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। अगर उसकी सैलरी के ऊपर विथहोल्डिंग करना था और मैंने अगर उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, वो 8 लाख रुपए के ऊपर जो भी टैक्स बनता था मैंने उसको डिडक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया, तो वो जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो मुझे जो टैक्स एक्सपेंस है उसकी सैलरी के ऊपर वो मुझे अपने टैक्सेबल इनकम में से माइनस करना अलाउड नहीं होगा। बल्कि वो टैक्स जब मैं साल में रिटर्न जमा कराऊंगा तो वो दोबारा मेरी टैक्सेबल इनकम के अंदर टैक्स वाले उसको ऐड कर देंगे, तो क्योंकि मैंने उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराया। अच्छा, मैं विथहोल्डिंग टैक्स कब जमा कराता हूँ? अगर उसका क्राइटेरिया ये है कि मैं विथहोल्डिंग एजेंट होना ज़रूरी हूँ। अच्छा, विथहोल्डिंग एजेंट के जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, रेंटल के अलग हैं, बिजनेस के अलग हैं, उसके लिए कंडीशन ये है कि आप सेल टैक्स में फॉल भी करते हो, ये उस कंडीशन में है जब आप विथहोल्डिंग एजेंट हो। अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट नहीं हो तो फिर आपको अपने एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई विथहोल्डिंग टैक्स काटने की जरूरत नहीं है और सारा जितना भी एक्सपेंस आपने किया है अगर थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल किया हुआ है तो वो सारा का सारा आपको टैक्स एक्सपेंस अलाउड होगा। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जो आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, उसकी वहाँ फिर नीचे उसकी डिटेल देखेंगे। अच्छा, अगर आपकी कोई इंप्लॉई ऐसा है जिसकी सैलरी जो है एग्जेम्पशन से कम है, आप चाहे विथहोल्डिंग एजेंट हो भी, अगर उसकी सैलरी जो है वो साल में 6 लाख रुपए से कम है, उसके ऊपर आपको कुछ विथहोल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा आपको टैक्स के अगेंस्ट अलाउड है। अच्छा, जो गुड्स होती हैं, अगर मैंने किसी कंपनी से सर्विस, अगर किसी इंडिविजुअल से सर्विस ली है तो उसके ऊपर टैक्स विथहोल्ड करना होता है 4.5%। लेकिन अगर मैं विथहोल्डिंग एजेंट हूँ और मैंने वो 4.5% जो विथहोल्ड नहीं किया तो एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं होगा। लेकिन उसकी एक एग्जेम्पशन ये है कि अगर मैंने साल में उस एक वेंडर से 75,000 से कम की परचेजिंग की है तो वो एक्सपेंस मुझे अलाउड होगा। अगर मैंने मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में परचेजिंग की है, एक दफ़ा 20,000 की है, एक दफ़ा 25,000 की है, एक दफ़ा 40,000 की है, और पूरे साल में मिला के मेरी फिस्कल ईयर में परचेजेस उससे 75,000 से ज़्यादा बन जाती हैं और मैंने अगर उसकी परचेजिंग के ऊपर जो है वो विथहोल्डिंग नहीं किया, उसकी पेमेंट करते हुए टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, तो पूरा का पूरा जितने भी एक्सपेंस है वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरह सर्विस है, पूरे साल में अगर मैं किसी वेंडर से सर्विस ले रहा हूँ और अगर 30,000 तक मैंने उस वेंडर से सर्विस ली है तो उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स उसका काटने की ज़रूरत नहीं है।
वो मुझे पूरा का पूरा एक्सपेंस अलाउड है। अगर 30,000 से ज्यादा की सर्विस ली है तो बाय लॉ जो है वो रिक्वायरमेंट है कि मैं उसका 10% टैक्स विथहोल्ड करूं और गवर्नमेंट को जमा कराऊं। अगर मैंने 30,000 से ज्यादा की सर्विस ली है और मैंने अगर उसका टैक्स विथहोल्ड करके गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो वो एक्सपेंस मुझे जो मैंने उससे सर्विस ली है वो एक्सपेंस मुझे टैक्सेबल इनकम में दोबारा एड बैक करना पड़ेगा, मैं उसका बेनिफिट अपनी टैक्सेबल इनकम में नहीं ले सकता। अच्छा, अब अगर मेरे पास जो है कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और मैंने उसका जो है वो उसके बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे कर दिया, अगर मेरा एम्प्लॉई है उसके ऊपर कोई लोन खड़ा हुआ था और मैंने जो है अपने पास से जो है एम्प्लॉई का अगर वो लोन पे कर दिया तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल काम कर रहा था और आपने उसके बिहाफ पे जो है कोई लोन पे कर दिया, उसकी कोई लायबिलिटी सेटल कर दी, तो वो आपको वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, एक तरह से आपने उसको अलाउंस दे दिया। ये हम जो है सैलरी इनकम में डिस्कस कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम में कि एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया कोई भी अलाउंस जो है एम्प्लॉई को किसी भी फॉर्म में, अगर वो कैश की फॉर्म में दिया गया है कोई सा भी अलाउंस हो, तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो एम्प्लॉयर होगा, यानी कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ और अगर मैंने अपने किसी एम्प्लॉय की कोई लोन सेटलमेंट कर दी है, कोई लीज सेटलमेंट कर दी है, तो जितना एक्सपेंस मैंने इंकर किया होगा वो मुझे अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट अलाउड हो जाएगा कि मैं उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो बिजनेस में और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनकम एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंडिचर होते हैं, ट्रेवलिंग के एक्सपेंडिचर होते हैं, उसकी हम किस तरह अकाउंटिंग करेंगे, उनको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप देख लेते हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है वो मुझे पूरे के पूरे अलाउड हैं कि अगर, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि जो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर मैंने किए हों वो मेरे बिजनेस से पर्टेन करते हों। अगर मैंने पर्सनल कोई एक्सपेंडिचर किया है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो वो मुझे अलाउड नहीं होगा। अगर मैंने ऑफिस स्टाफ के लिए किया है या ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैंने अपनी एंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर जो मैंने अपने किसी क्लाइंट से रिलेटेड किया है और क्लाइंट को एंटरटेन किया है तो वो पूरा का पूरा मुझे अलाउड होगा। अच्छा, देखिए ये 4-5 एक्सपेंडिचर हैं एंटरटेनमेंट के जो मुझे अलाउड हैं। एक ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर मैंने पाकिस्तान से बाहर भी कोई जो है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया है लेकिन उसकी शर्त यही है कि वो बिजनेस रिलेटेड किया है तो मुझे एक्सपेंस अपने टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट अलाउड होगा। दूसरा क्या, इनकम एक्सपेंडिचर इनकम इन पाकिस्तान एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, अगर कोई मेरा फॉरेन कस्टमर आया है, कोई फॉरेन सप्लायर आया है, इससे मैं बाय या सेल करता हूँ और अगर उसके ऊपर कोई एंटरटेनमेंट का मैंने एक्सपेंस किया है तो वो भी मुझे पूरा का पूरा एक्सपेंस अलाउड होगा। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, अगर मैंने अपने किसी भी लोकल क्लाइंट के लिए जो है कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम किया है तो मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो वो मुझे टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट अलाउड होगा। अच्छा, जो कंपनीज होती हैं वो अपनी शेयर होल्डर्स की जो है डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है और शेयर होल्डर्स की AGM भी होती हैं और उस पर जो है वो कई वो जगह भी लेती हैं और लंच वंच भी जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो सारा का सारा मुझे अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट अलाउड है। अच्छा, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और अगर मैंने अपने जो है वो अपने नए 2 न्यू आउटलेट्स खोल लिए, उन 2 न्यू आउटलेट्स में मैंने जो है वो पहले दिन बोल दिया कि जो भी आएगा वहाँ पर उसको ब्रांचेस पे फ्री लंच मिलेगा, तो अगर मैंने नई ब्रांचेस खोली हैं और उसके ऊपर कोई भी चाहे वो नॉर्मल विजिटर भी क्यों ना आए, उस ब्रांच के ओपनिंग के ऊपर जो मैंने जितने भी जो है एक्सपेंस इनकर करूंगा वो सारा का सारा एक्सपेंस मुझे अलाउड होगा। लेकिन उसकी दोबारा देखें यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, ये सारे एक्सपेंडिचर जो है जो 5 हमने ऊपर बात की जिनके ऊपर ये आपको अलाउड होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि ये डायरेक्टली मेरे बिजनेस से पर्टेन करते हो, मेरे बिजनेस रिलेटेड हो। अगर मेरा ऑडिट खुल जाता है या FBR वाला मुझसे पूछ लेता है कि आपने किसके ऊपर किए, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंटरटेनमेंट के ये बिजनेस रिलेटेड है और मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं। अच्छा, इसी तरह एक और एक्सपेंस होता है पेनल्टी और फाइन का, कि मेरे ऊपर जो है कोई पेनल्टी लग गई लॉ की वायोलेशन की वजह से, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, चाहे वो इनकम टैक्स की वायोलेशन हो, सेल टैक्स की वायोलेशन हो, उसके मेरे ऊपर अगर कोई पेनल्टी लग गई तो वो मेरे ऊपर उसका एक्सपेंस मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, अगर कोई लॉ या रेगुलेशन की अगर मैंने वायोलेशन कर दी और उसके ऊपर मुझे कोई फाइन या पेनल्टी देना पड़ गया तो वो तो मुझे जो है वो अलाउड नहीं है, वो मेरे अपनी इनकम के अगेंस्ट जो है उस एक्सपेंस को मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अगर मैंने पेनल्टीज पे कर दी हैं तो वो मुझे अलाउड हो जाएंगी, टैक्स वाले उनको अलाउड कर देते हैं कंसिडर, वो एक एक्सेप्शन हैं। वो क्या क्या हैं, अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है और लोन की मेरी इंस्टॉलमेंट दी थी 1 जुलाई को, मैंने वो लोन इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को पे नहीं की और 1 अगस्त को पे की,
जिसके ऊपर बैंक ने मुझे जो है एक महीने की जो है पेनल्टी चार्ज कर दी। तो इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो तो जाहिर सी बात है मेरा ऑफिशियल एक्सपेंस है, वो तो मुझे अलाउड ही है, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने पेनल्टी दी है एक महीना लेट पे करने की वजह से, वो भी टैक्स वाले उसको जो है ऑफिशियल एक्सपेंस मानते हैं और वो वाले पेनल्टी भी जो है वो मुझे अलाउड होगी। इसी तरह यूटिलिटी के बिल्स हैं, के इलेक्ट्रिक का बिल आता है, एक महीने जो है वो मेरा के इलेक्ट्रिक का बिल है, ड्यू डेट चली गई, मैं के इलेक्ट्रिक का बिल पे करना भूल गया, अगले महीने जब बिल आया तो उसमें जो है साथ में 2000 रुपये जो है के इलेक्ट्रिक वालों ने पेनल्टी लगा दी। तो जो मेरे बिल के एक्सपेंस है वो तो मुझे वैसे ही अलाउड है, जो 2000 रुपये जो मैंने पेनल्टी दे दी है वो भी मुझे एज अ बेनिफिट गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि मैं उसको अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूँ। अच्छा, इससे पहले जैसे बात हुई कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मेरे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस जो है वो आप अपने बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस अगर अपने उसमें चार्ज कर दिए हैं, बिजनेस इनकम में चार्ज कर दिए हैं, तो सारे के सारे आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। तो क्या वो एक तरह से आपका प्रॉफिट हो गया, टैक्स वाले उसको आपका जो है वो प्रॉफिट मानेंगे, और अगर आपने वो पैसे चाहे वो एंटरटेनमेंट पे खर्च किए हों, कहीं ट्रेवलिंग पे खर्च किए हों, तो आपको जो है उसके ऊपर जो है सारे के सारे एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हमने बात कर ली कि जो है वो आपको जो है एक्सपेंसेस कौन कौन से अलाउड होंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, लेकिन जो जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल करनी है। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो आपने जो है प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं करी, तो वो आपको उसका बेनिफिट टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, वो एक्सपेंस आप उसको क्लेम नहीं कर सकते उसकी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं वो अगर आपने कैश में कर ली हैं तो भी टैक्स वाले आपको उसका बेनिफिट दे देंगे और वो आप एक्सपेंसेस को अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, अगर आपका एक सिंगल अकाउंट हेड है, साल के तौर पे आपका एक हेड है एंटरटेनमेंट का, उसमें जो है अगर आपने एक्सपेंस किया है साल का 50,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ से कम है, तो वो अगर आपने पूरा साल भर ले चाहे वो एक्सपेंस आपने कैश में किया हो, वो आपको टैक्स के लिए एक्सपेंस अलाउड होगा, आप उसको टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सपेंस साल का 50,000 से ऊपर निकल गया, तो पूरा का पूरा जो एक्सपेंस आपने इनकर किया है वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 तक अलाउड होगा और उसके ऊपर वाला डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं। अगर आपने कैश में एक्सपेंसेस किए हैं तो पूरे के पूरे अगर 50,000 से ऊपर चले जाएंगे तो वो आपको पूरे के पूरे डिसअलाउ हो जाएंगे। अच्छा, उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो सिंगल पेमेंट में जो एक्सपेंसेस हैं वो एक साथ 10,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब अगर मेरा कोई एक्सपेंस है जो साल का तो 45,000 है, लेकिन एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन वो एक साथ मैंने 15,000 के ऊपर एक ट्रांजेक्शन कर ली, तो वो जो 15,000 रुपये के ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी वो मुझे अलाउड नहीं होगी, रिमेनिंग जो मेरा बचेगा वो मैं एज अ टैक्स एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा, ये कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं जो जिनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 50,000 से ऊपर हो, सिंगल पेमेंट में 10,000 से ज़्यादा हो, ये वो पेमेंट हैं जो मैं टैक्स एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूँ, चाहे मैंने कैश में की है, चाहे 50,000 से ऊपर साल में चली गई, चाहे सिंगल पेमेंट में 10,000 से ऊपर चली गई। वो कौन कौन सी है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट ट्रेवल फेयर, अगर मैंने कोई टिकट कराई है, चाहे टिकट की वैल्यू कितनी भी हो, अगर मैंने कैश में दिया है, अपना बिजनेस ट्रेवल में कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है कि बिजनेस रिलेटेड हो, तो अगर मैंने कैश में भी पेमेंट कर दी तो मुझे अलाउड होगा। पोस्टेज से रिलेटेड पेमेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, मैंने बिल पे कर दिया के इलेक्ट्रिक का, पीटी सेल का बिल पे कर दिया, जो मेरे कमर्शियल बिल होगा, जो मेरी ऑफिस का बिल होगा उसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस रिलेटेड बिल, या गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं, अगर मैंने FVR की कोई पेमेंट है, सेल टैक्स का चालान है, वो मैंने कैश में पे कर दिया, चाहे वो भले 1,00,000 रुपये का हो, 2,00,000 रुपये का हो, तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अगर मैंने कैश में पे कर भी दिए तो मुझे पूरे के पूरे जो है वो एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट मुझे जो है कोई डिडक्शन नहीं होगी, टैक्स वाले ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दें। लेकिन अगर इनके अलावा जो है फ्रेट ट्रेवल फेयर पोस्टेज यूटिलिटी या गवर्नमेंट ड्यूज के अलावा जो एक्सपेंस हैं उसमें मेरी लिमिट मैंने आपको बता दी, अगर साल में 50,000 से कम है तो, और अगर कैश में कर दिए हैं तो मुझे अलाउड होगा, अगर साल में 50,000 से ज़्यादा है तो मुझे उसी सूरत में अलाउड होगा कि मैंने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू उनको पे किया है। अगर पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है तो फिर टैक्स वाला उनको डिसअलाउ कर सकता है। अच्छा, उससे ऊपर पहले हमने बात कर ली कि जो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टैक्स वाला जिनको एडबैक कर देता है और अपने जो है वो एक्सपेंसेस टैक्स एक्सपेंस वहाँ पर हमको लेने पड़ते हैं। कुछ अकाउंटिंग एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हमें एडबैक करना पड़ता है, उसमें क्या है, एक है नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर मेरे एसेट्स पर अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, हमने पहले बात की कि ये एक एस्टिमेट होता है, हर बंदे का अपना अपना होता है,
इस तरह जो है वो कंफ्यूजन होगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बंदा जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन ले रहा है, कोई 30% ले रहा है, कोई 40% ले रहा है, कोई फुल इन द ईयर ऑफ परचेज ले रहा है, कोई 6 महीने का ले रहा है, तो इसके लिए बड़ी कंफ्यूजन होगी। इसलिए टैक्स वालों ने जो है अपने डेप्रिसिएशन के रेट्स दे दिए हैं कि आप अपनी बुक्स में चाहे जो मर्जी करते रहें, जब आप टैक्सेबल इनपुट कंप्यूट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम में आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और जो टैक्स वालों ने ये डेप्रिसिएशन दी हुई है इन रेट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करके टैक्सेबल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक पहले बात ये कर लें कि जो टैक्स की डेप्रिसिएशन होती है वो WDV पे चार्ज होती है। हर साल ये जो रेट दिया हुआ है ये WDV के में से माइनस होगा, ये रेट ये कॉस्ट में से नहीं होगा, यानी कि समझ लें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे नहीं होती, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से टैक्स की डेप्रिसिएशन कंप्यूट की जाती है। अच्छा, ये उसके अलग अलग रेट्स हैं। अगर आपकी बिल्डिंग है तो आपको जो है वो 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स हैं तो उनका उसका डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका भी 15% है, कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स हैं तो उसका 30% रेट है, प्रोफेशनल और टेक्निकल बुक्स वगैरह हैं उनका 15% है, मोटर व्हीकल हैं, शिप्स हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं उनका भी 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा, लेकिन टैक्स में होता क्या है, अगर मैंने टैक्स के लिए कोई टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई एसेट लिया तो टैक्स वाला उसकी डेप्रिसिएशन जो है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज अलाउ करता है। जैसे टैक्स ईयर है मेरा फिस्कल ईयर है 1 जुलाई से लेकर 30 जून, अगर मैंने कोई एसेट जो है वो जून के महीने में एक्वायर किया है, 1 महीना पहले एक्वायर किया है मेरे ईयर एंड से, तो भी टैक्स वाला उसको पहले साल फुल इन द ईयर ऑफ परचेज जितनी डेप्रिसिएशन उसकी साल की बनती है 15% के हिसाब से या 10% के हिसाब से जो भी रेट हो पूरे साल की डेप्रिसिएशन वो अलाउ करेगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस साल मैंने उसको भेज दिया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाइल नो डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल मैं उस एसेट को बेचूंगा उस साल मुझे उसके ऊपर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज है एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल है टैक्स डेप्रिसिएशन। बड़ा आसान सा उन्होंने आसान करने के लिए उसको बहुत ईजी कर दिया है कि आपने एसेट जब भी लिया है साल के बीच में, चाहे जुलाई में लिया हो, चाहे अगस्त में लिया हो, चाहे जैन में लिया हो, या चाहे आखिरी महीने जून में ही क्यों ना लिया हो, आप पहले साल उसकी पूरी डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लें, टैक्स वाले आपको अलाउ कर रहे हैं, और जिस साल आप उसको बेचेंगे उस साल आप उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह ये है, ये हम सिनेरियोज को सॉल्व करेंगे, इसके पहले इसके लिए देख लेते हैं इनिशियल अलाउंसेस। इनिशियल अलाउंस जो है वो 25% जो है आपको कॉस्ट ऑफ एसेट पे अलाउड होता है, अगर वो एसेट बिजनेस पर्पज के लिए है और वो पाकिस्तान में प्लेस किया गया है वो एसेट, तो उसके ऊपर आपको जो है वो 25% इनिशियल अलाउंस अलाउड होता है पहले साल में कि आप उसके ऊपर एज अ बेनिफिट ये अपने एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर लें अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया है। अच्छा, इनिशियल अलाउंस किस किस चीज़ों पर नहीं मिलता है, बिल्डिंग्स के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल या शिप्स हैं उनके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स हैं उनके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, और प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि पहले पाकिस्तान में यूज़ हो चुका है उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी इसकी पाकिस्तान में यूज़ हो चुका है इससे क्या मतलब है, एक ये है कि अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी एक नया प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में ही किसी वेंडर से परचेस कर लिया, बिल्कुल न्यू परचेस कर लिया, कोई पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ, मुझे उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा। अच्छा, एक प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में पहले से किसी के पास था, किसी फैक्ट्री के पास पड़ा हुआ था कोई मशीन, मैंने उनसे वो मशीन खरीद ली। अच्छा, हो सकता है उस फैक्ट्री ने भी पहले उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लिया हो, तो मैं जो मेरी कॉस्ट होगी उसके ऊपर मुझे उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस अलाउड नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट अगर न्यू है तो जाहिर सी बात है पहले पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुआ, मुझे उसके ऊपर न्यू प्लांट मशीनरी के ऊपर इनिशियल अलाउंस, लेकिन अगर मैंने कोई यूज प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया है जो कभी पाकिस्तान में पहले किसी ने यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम वो मशीन पाकिस्तान में आ रही है, तो उस मशीन के ऊपर भी मुझे इनिशियल अलाउंस अलाउड होगा। इसकी कंडीशन यही है कि इनिशियल अलाउंस उस प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा जो पहले से पाकिस्तान में यूज़ हो चुकी है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी चाहे वो भले 5 साल पुरानी हो 10 साल पुरानी हो, लेकिन मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रही, पाकिस्तान में मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं पहले साल उसके ऊपर भी 25% इनिशियल अलाउंस यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी वो फिर किस तरह निकलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे हमने बात कर ली कि वो निकलेगी WDV पे। अगर मैंने कोई एसेट परचेस किया है 10 लाख रुपए का कोई एसेट है और उसकी मैंने प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख रुपए का और उसके ऊपर जो है वो मुझे इनिशियल अलाउंस मिल गया 25% 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो 7.5 लाख रुपए बचेंगे उसके ऊपर फिर मैं प्लांट एंड मशीनरी का जो 15% रेट है पहले साल में डेप्रिसिएशन फिर उस वैल्यू के ऊपर लगाऊंगा,
पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं लगाऊंगा, 2.5 लाख का बेनिफिट तो मुझे टैक्स प्लानर ने दे दिया, बाकी जो 7.5 लाख रुपए हैं उसके ऊपर 15% के हिसाब से मेरी प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी पहले साल पूरी। अब हम ये दो सिनेरियो देखें। देखिए ये सिनेरियो नंबर वन है कि मैंने एसेट एक्वायर किया है 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है, टैक्स ईयर 2020 में फॉल कर रहा है, बिल्डिंग ली है 20 मिलियन। अच्छा अब इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी और इनिशियल अलाउंस क्या होगा। अच्छा देखिए हमने नीचे बात कर ली कि इनिशियल अलाउंस जो है वो बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल अलाउंस अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो एक तो इनिशियल अलाउंस इसके ऊपर कंप्यूट नहीं होगा, इनिशियल अलाउंस का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो वही रहेगी, इनिशियल अलाउंस में से माइनस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भैया मैंने बिल्डिंग ली है 20 मिलियन की, ये मैंने साल के बीच में ली है। अच्छा अगर मेरी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो मैं तो मैंने 7 महीने की निकाली है, और अब अगर टैक्स डेप्रिसिएशन है तो मैं उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी लूँगा। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो मैं पूरे साल की, हमने पहले बात कर ली कि टैक्स वाला पहले साल में आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन अलाउ करता है, तो मैं 20 मिलियन का 10% यानी 2 मिलियन टैक्स एक्सपेंस एज अ टैक्स एक्सपेंस मुझे पहले साल में अलाउड होगा, 2 मिलियन डेप्रिसिएशन मैं टैक्स एक्सपेंस पहले साल में क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है उसमें देखें, एक एसेट लिया मैंने 1 जून 2020 को आखिरी महीने में टैक्स ईयर के, मोटर व्हीकल ली है 2.5 मिलियन की, इसका इनिशियल अलाउंस क्या होगा, इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी। अच्छा मोटर व्हीकल की केस में भी मैंने बात कर ली कि मोटर व्हीकल के ऊपर इनिशियल अलाउंस मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई इनिशियल अलाउंस अलाउड नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नो इनिशियल अलाउंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन मुझे कितनी अलाउड होगी, भले मैंने आखिरी महीने में ली है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, ये 2.5 मिलियन है। अच्छा डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पर दिया हुआ है मोटर व्हीकल का 15% है, 2.5 मिलियन का जो है वो 15% ये बन जाएगा 3.75 मिलियन ये एज अ टैक्स एक्सपेंस मुझे पहले साल में अलाउड हो जाएगा, ये मैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से 3.75 मिलियन की अमाउंट माइनस कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ अगर मोटर व्हीकल के बदले प्लांट एंड मशीनरी होता, सपोज कर लेते हैं कि मोटर व्हीकल नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, 2.5 मिलियन की। अच्छा ये मैंने लिए जून 2020 को, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी है और ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, इसको आप यूज से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, तो क्या इनिशियल अलाउंस सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे है या वो मशीनरी जो यूज हो लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट हो लेगा। अच्छा 2.5 मिलियन है, इसका मुझे 25% तो पहले मुझे मिल गया टैक्स अलाउंस। ये मुझे मिल गया 6,25,000 रुपए, 6,25,000 रुपीज, ये 2.5 मिलियन का 0.625 मिलियन, ये 25%, ये तो मुझे मिल गया इनिशियल अलाउंस, ठीक है, ये मेरी टैक्सेबल इनकम ऐसे माइनस हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी, इसकी हम वैल्यू लेंगे 2.5 मिलियन, इसमें से जो इनिशियल अलाउंस जो एक्सपेंस जो मैं क्लेम कर चुका हूँ उसको पहले माइनस कर देंगे, ठीक है, ये इसकी नेट वैल्यू आ गई 1.875 मिलियन। अब 1.875 मिलियन का जो टैक्स का डेप्रिसिएशन का रेट है प्लांट एंड मशीनरी का 15% वो ये ले लेंगे यहाँ पर, ये बन गया 281,250। अच्छा तो टोटल मुझे जो अमाउंट जो मुझे अपनी टैक्सेबल क्या इनकम क्या कहते हैं एक्सपेंस अलाउड होगा इस प्लांट एंड मशीनरी पे वो कितना होगा, इनिशियल अराउंड 6,25,000, उसमें मैं ऐड कर लूँगा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट 281,250, यानी टोटल 9,06,250 रुपीज़ ये मुझे पहले साल में एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड हो जाएंगे, चाहे एसेट मैंने 30 जून को लिया है, 20 जून को लिया है, 1 जून को लिया है या जुलाई 2019 से लिया हुआ है, टैक्स वालों को उनसे कोई मतलब नहीं है, पहले साल में मुझे पूरे साल का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, इतना एक्सपेंस मुझे अलाउड हो जाएगा। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने जितनी भी की हुई है वो मैं टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दूँ और ये वाली अमाउंट को मैं टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दूँगा। अच्छा अब अगर कोई ऐसा एसेट है जो मैंने अपने बिजनेस में पार्शियली यूज़ किया हुआ है, पूरे साल वो एसेट मेरे बिजनेस में इस्तेमाल नहीं था, यानी कि मैंने एक एसेट एक्वायर कर लिया 1 जुलाई 2019 को, 6 महीने तो मैं उसको बिजनेस में यूज़ करता रहा, फिर आखिरी 6 महीने जो है वो एसेट की मुझे घर में ज़रूरत पड़ गई और मैंने उस एसेट को घर में यूज़ कर लिया, तो उसकी मैं टैक्स अलाउंस कैसे कंप्यूट करूँगा, इसको हम एज अ सिनेरियो 3 कर लेते हैं, ठीक है, अमाउंट सारी यही रखते हैं। अच्छा 50% इसमें हम समझ लेते हैं कि हमारा बिजनेस यूज हुआ, ठीक है, 50%
बिजनेस यूज टैक्स। ठीक, अच्छा इनिशियल अलाउंस की वैल्यू इसी तरह निकलेगी, इनिशियल अलाउंस यही मेरा इनिशियल अलाउंस होगा 6,25,000, यही मेरा इनिशियल अलाउंस की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, इनिशियल अलाउंस चाहे वो भले मेरा पार्शियल यूज हो, लेकिन मैंने नया एसेट एक्वायर किया है, बिजनेस में लेकर आया हूँ, मुझे उसका पूरे साल का बेनिफिट मिलेगा इनिशियल अलाउंस का। इन इनिशियल अलाउंस में कोई मुझे प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर निकाली थी 281,250, ये इसकी पूरे साल की टैक्स डेप्रिसिएशन थी। अब इसको मैंने इसको 50% बिजनेस यूज में किया है, मैं इसको 50% बिजनेस यूज में ले लूंगा, ये मुझे टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगी। साल का मुझे टोटल एक्सपेंस ये अलाउड हो जाएगा 6,25,000 प्लस 140,625, ये एक्सपेंस मुझे एज अ टैक्स एक्सपेंस मेरे को अलाउड हो जाएगा। ये टोटल कितना बन गया 765,625 एज अ टैक्स एक्सपेंस मुझे अलाउड हो जाएगा। अच्छा, इफ जो कंप्यूटेशन है कि मेरा कितना बिजनेस पर्सन यूज हुआ, कितना जो है वो पर्सनल यूज हुआ, वो आप नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे भी कर सकते हैं या नंबर ऑफ मंथ की बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर 6 मंथ जो है वो बिजनेस में हुआ है, 6 मंथ घर पे यूज हुआ है, तो आप उसको 50% बिजनेस यूज ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो पार्शियली कंप्यूट होगी, इनिशियल अलाउंस जो है वो मुझे पूरा मिलेगा। अगर मैंने पर्सनल यूज किया है तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मुझे पार्शियली अलाउड होगा। अगर मैंने 6 महीने घर पे किया है या 8-9 महीने घर पे किया है, 3 महीने बिजनेस में लाया हूं, तो मुझे 25% जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। इनिशियल अलाउंस जो है वो मुझे पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा, उसमें मेरी कोई डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा, अगर मैंने कोई बिजनेस एसेट्स परचेस किए हैं, अभी हमारी बात भी एक्सपेंस से रिलेटेड कि अगर कोई एक्सपेंस साल का 50,000 से ऊपर अगर कोई एक्सपेंस हो जाएगा तो मुझे उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना है, कैश में उसको पे नहीं कर सकता, वो मेरा बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होगा। सिवाय कुछ एक्सेप्शन हैं, गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह या यूटिलिटी बिल्स वगैरह, उनके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो मुझे 50,000 के ऊपर बैंकिंग चैनल के थ्रू करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं कोई बिजनेस एसेट्स परचेस कर रहा हूँ, देखिए मैं एसेट्स के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहा हूँ, इनिशियल अलाउंस ले रहा हूँ, तो जो मेरे एसेट्स हैं वो भी मेरे बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज होने चाहिए। अगर मेरे एसेट्स भी कैश में परचेज होंगे तो वो मुझे एसेट्स गवर्नमेंट उसको मानेगी नहीं, ना मैं उसके अगेंस्ट इनिशियल अलाउंस है और वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। वो एसेट उनकी जो कॉस्ट होगी गवर्नमेंट, उन कॉस्ट को जीरो ले लेगी। ऐसे कौन से एसेट्स होंगे, देखिए वो एसेट्स जो अगर मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तो वो उसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है। अगर जो FBR के अगर आप रेट देखेंगे, वैल्यूएशन के FBR का एक टेबल है, अगर उसके हिसाब से उसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है, या अगर कोई भी दूसरा एसेट, कोई कार है, कोई मशीनरी है, उसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज करना ज़रूरी है। अगर ये मेरा बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं परचेज होगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। लेकिन अगर ये एसेट मेरे बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज नहीं होंगे तो एक तो इसके अगेंस्ट मुझे कोई भी टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं होगी। जितने भी टैक्स के एक्सपेंस हैं, मेरी जो टैक्सेबल इनकम है, अगर मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज की भी होगी तो वो माइनस हो जाएगी, और टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स एमोर्टाइजेशन जो है वो मैं उल्टा, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो जो है वो मेरी ऐड हो जाएगी टैक्सेबल इनकम में, और टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस जो है वो मैं अपने टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकूंगा, वो भी मुझे डिसअलाउ हो जाएगी। अच्छा, और अगर जब वो मैं एसेट बेचने जाऊंगा तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो जीरो कंसीडर कर दी जाएगी। अगर मैंने एसेट 6 मिलियन का दिया तो पूरे के पूरे एसेट्स के ऊपर मुझे कैपिटल गेन पे करना पड़ जाएगा, उसकी जो कॉस्ट गवर्नमेंट लेगी वो जीरो ले लेगी, उसके अगेंस्ट मुझे कोई भी कैश कॉस्ट नहीं अलाउड होगी। ये प्रोविजन किन किन के लिए, ये हर एसेट्स के लिए है जो कि डेप्रिसिएबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है या कैपिटल एसेट है, उन सब के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर वो एसेट मेरा, अगर वो प्रॉपर्टी है तो और उसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है FBR के टेबल के हिसाब से, या अगर कोई दूसरा एसेट है जैसे ट्रैक्टर है, शिप है, व्हीकल है, कोई इक्विपमेंट है या गाड़ी है, मोटर व्हीकल है, अगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू रखती है और अगर मैंने उसको कैश में परचेस कर लिया तो वो मुझे गवर्नमेंट उसको ऐसा मेरा एसेट नहीं कंसिडर करेगी, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो कंसिडर की जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो है वो मुझे ना तो इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा, ना मुझे उसके अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन हर साल अलाउ की जाएगी। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन की बात की, डेप्रिसिएशन होती है, इसी तरह एक चीज़ होती है एमोर्टाइजेशन। अगर मेरे को इंटेंजिबल्स हैं तो उनको मैं एमोर्टाइज करूंगा, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, इंटेंजिबल जो है वो एमोर्टाइज होते हैं। इंटेंजिबल से क्या मुराद है, कोई पेटेंट है, कोई सीक्रेट फार्मूला है, कोई ट्रेडमार्क है, या मैंने कोई कॉपीराइट कराया हुआ है, या मेरे पास कोई फ्रेंचाइज का लाइसेंस है, तो ये सारे मेरे ट्रेडमार्क हैं,
लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर उनका फायदा जो है वो मुझे एक साल से ज्यादा होगा तो ये मेरे इंटेंजिबल है, अगर ये उसका फायदा 6 महीने साल के अंदर अंदर होगा तो ये मेरे इंटेंजिबल में शुमार नहीं होंगे। कोई भी ट्रेडमार्क, कोई फॉर्मूला, कोई डिजाइन या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या पेटेंट है जिसका बेनिफिट मैं एक साल से ऊपर कंसिडर करता हूँ कि एक साल से ज्यादा मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, वो मेरा इंटेंजिबल एसेट है। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जो मेरा बिजनेस इंटेंजिबल एसेट है उसके अगेंस्ट मुझे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन अलाउ की जाती है, उसकी अमोर्टाइजेशन की कैसे निकलेगी, उसकी अमोर्टाइजेशन ऐसी निकलेगी कि उसकी जो कॉस्ट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उसकी यूजफुल लाइफ से, तो उसकी अमोर्टाइजेशन निकल आएगी, पर ईयर अमोर्टाइजेशन वो मुझे उसकी अलाउड होगी। अच्छा, अगर कोई मेरा इंटेंजिबल एसेट है, कोई ट्रेडमार्क है, मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए का मेरा एक ट्रेडमार्क है और उसकी जो 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 उसका लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड है, तो उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल हो गई, यानी कि अगर मैंने कोई ट्रेडमार्क खरीदा है तो उसकी जो हर साल जो मुझे उसकी अमोर्टाइजेशन अलाउड होगी 50,000, ये मेरा एज अ टैक्स एक्सपेंस मुझे अलाउड होगा, मैं टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकता हूँ। अच्छा, कोई मेरा जो ऐसा कोई एसेट है जिसकी मुझे कोई यूजफुल लाइफ परसेंटेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 25 ईयर्स कंसिडर की जाएगी। यानी कि अगर कोई एसेट जो मेरा 2.5 लाख रुपए का है और मुझे उसकी यूजफुल लाइफ नहीं पता है, इंटेंजिबल एसेट है, तो उसकी टैक्स यूजफुल लाइफ 25 साल कैलकुलेट की जाएगी और हर साल मुझे 10,000 रुपए की अमोर्टाइजेशन उसके अगेंस्ट अलाउ कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है इंटेंजिबल्स के अंदर कि अगर मेरा कोई इंटेंजिबल एसेट है वो 6 महीने पर्सनल यूज हुआ है, 6 महीने बिजनेस के अंदर यूज हुआ है, तो उसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो मुझे पार्शियली अलाउ होगी। अगर कोई एसेट है जिसकी अमोर्टाइजेशन साल की 50,000 रुपए है, 2.5 लाख रुपए का एसेट है, यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल है, अमोर्टाइजेशन पर ईयर उसकी 50,000 है, लेकिन 6 मंथ जो है वो मेरा पर्सनल यूज हुआ है, 6 मंथ बिजनेस में यूज हुआ है, तो उसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो प्रोपोर्शनली कैलकुलेट होगी और 6 मंथ का जो है मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अमोर्टाइजेशन के अंदर और डेप्रिसिएशन के अंदर एक बहुत वाजह फर्क है, वो क्या है, हमने अभी डेप्रिसिएशन में बात की थी कि अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर किया है 1 जून के अंदर, टैक्स ईयर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 जून 2020 को अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर किया है और अगर वो मैंने परचेस कर लिया है, तो उसकी जो मुझे डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल की अलाउ कर दी जाएगी फुल इन द ईयर ऑफ परचेस के हिसाब से, और जिस साल मैं उसको डिस्पोज करूंगा उस साल मुझे उसकी कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी। अच्छा, अमोर्टाइजेशन के केस में ऐसा नहीं है, अमोर्टाइजेशन के केस में उसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे डिस्क्लोज किया जाएगा। प्रोपोर्शनल बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन होगी। अगर मैंने कोई अमोर्टाइजेशन, अगर मेरा कोई एसेट है जिसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो साल की 40,000 रुपए बनती है, 4 लाख रुपए का कोई मेरा इंटेंजिबल एसेट है, उसकी अमोर्टाइजेशन पर ईयर जो है वो 40,000 रुपए की बनती है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, और अगर वो मैंने एसेट एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2020 को किया है, तो मुझे उसकी अमोर्टाइजेशन जो अलाउड होगी वो 10,000 होगी, पूरे साल की अमोर्टाइजेशन 40,000 मुझे अलाउड नहीं होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन के केस में क्या था कि डेप्रिसिएशन जब फिक्स एसेट जो है जिस साल डिस्पोज होगा उस साल मुझे कोई अमोर्टाइजेशन उसकी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी। अच्छा, इंटेंजिबल जिस साल लिया जाएगा उस साल तो मुझे प्रोपोर्शनल अलाउड होगा, जिस साल बेचेंगे उस साल क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन इज नॉट डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल। डिस्पोजल के केस में अमोर्टाइजेशन में भी जो है वो सेम जो है वो डेप्रिसिएशन वाला पैटर्न फॉलो होगा, और कोई भी एक्सपेंस साल में जिस साल डिस्पोज किया जाएगा उस साल अलाउड नहीं होगा, और जिस साल परचेज होगा, जिस साल ये इंटेंजिबल एक्वायर किया जाएगा उस साल भी उसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउड होगी। और उसकी अमोर्टाइजेशन का तरीका क्या होगा कि जो है जितने महीने जो है वो मैंने इस्तेमाल की है उतने महीने की अमोर्टाइजेशन एक तो प्रोपोर्शनल ली जाएगी, दूसरा अगर उसकी यूजफुल लाइफ सर्टेन है तो ठीक है, वरना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स मान ली जाएगी और उस बेसिस पर उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, ये हमने दो एसेट जिनके ऊपर हमने बात की है, दो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये हमने इनको दो सिनेरियो में कवर किया है। पहला इंटेंजिबल एसेट वो है जिसकी लाइफ जो मैंने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2020 को, टैक्स ईयर में 2020 की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2019 से शुरू होता है, मैंने एसेट एक्वायर किया 1 जनवरी 2020 को, यानी 6 महीने बाद। ये ट्रेडमार्क है 2 मिलियन का, इसकी लाइफ है 20 ईयर्स। अच्छा, इसकी मैं अमोर्टाइजेशन कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं 2 मिलियन को कर लूंगा 20 से डिवाइड, ठीक है, 2 मिलियन इसकी वैल्यू है, मैं इसको डिवाइड कर दिया 20 से,
ये इसकी डेप्रिशन आ गई 1 लाख पर ईयर की डेप्रिशन आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको चूंकि 6 महीने यूज किया है, 6 महीने एसेट मेरे पास आया है, तो मैं इसकी इसको प्रोडेट कर दूंगा 6/12, यानी कि इसकी जो एमोर्टाइजेशन जो मुझे अलाउड होगी वो होगी 50,000 इस साल की। अगले साल से मुझे पूरे 1 लाख अलाउड होंगे, लेकिन इस साल जो इसकी अमाउंट मुझे अलाउड होगी वो होगी 50,000, ठीक है। ये केस नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रेडमार्क है, ये मैंने एक्वायर किया है 1 जुलाई 2019 को, यानी पूरे टैक्स ईयर ये मेरे पास पड़ा रहा। इसकी जो है ट्रेडमार्क की वैल्यू है 2 मिलियन। अच्छा, इसको एमोर्टाइज करेंगे। इसमें देखें एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें यूजफुल लाइफ नहीं दी गई, तो मैं इसमें करूँगा ये कि मैं इसको ट्रेडमार्क को 2 मिलियन का है मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यूजफुल लाइफ जब नहीं मैंशन होगी तो टैक्स वाला उसको 25 ईयर्स समझ लेगा कि ये एसेट मेरे पास 25 ईयर्स के लिए है, 25 ईयर्स में मैं इसको एमोर्टाइज करूँगा। अच्छा, अब इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई 80,000, चूंकि ये पूरा साल मेरे पास रहा है इसलिए 80,000 ये इसकी टैक्स एमोर्टाइजेशन मुझे अलाउड होगी। ये मैं इसको अपनी टैक्सेबल इनकम में से इतनी अमाउंट को माइनस कर सकता हूँ। तो ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली इसमें इंटेंजिबल में याद रखने के हैं। एक ये कि इंटेंजिबल अगर साल के बीच में परचेज होगा तो जब से परचेज होगा उस वक्त से उसकी एमोर्टाइजेशन अलाउड होगी, पूरे साल की एमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं होगी। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इंटेंजिबल मेरा पर्सन यूज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है तो जिस तरह मैंने डेप्रिसिएशन में किया बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, पहले मैं उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा नंबर ऑफ मंथ्स पे कितनी बनती है, उसके बाद जितने महीने मेरे पास यूज हुआ है बिजनेस यूज में मैं उतनी बिजनेस परसेंटेज लगा दूंगा, उससे मेरी साल की अमाउंट की डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। उसमें से पर्सनल यूज वाला जिस तरह डेप्रिसिएशन में पर्सनल यूज अलाउड नहीं है, इसमें भी पर्सनल यूज अलाउड नहीं है, उसको प्रोपोर्शनेट कर लिया जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरा इंटेंजिबल जिस साल बिक जाएगा उस साल मुझे उसकी अमोर्टाइजेशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउड नहीं होगी, उस साल मुझे उसकी कोई भी अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह। अच्छा, अब वो एसेट्स जो मैंने लीज पर लिए गए, एक तो वो है जो मेरे फिक्स एसेट है जो मैंने परचेज किए हैं, एक मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, एक मेरे वो एसेट्स हैं जो मैंने लीज के ऊपर एक्वायर किए हैं। अच्छा, लीज के ऊपर जो एक्वायर किए हुए एसेट्स हैं उनके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे क्या एक्सपेंस अलाउड होंगे। अच्छा, मैंने एक एसेट है जो मेरा फाइनेंस लीज हुआ हुआ है, बैंक से मैंने उसको लीज कराया हुआ है, उसके अगेंस्ट मुझे कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड होंगे। अगर वो कोई अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 5 मिलियन की और अगर वो मेरा एसेट है 2 मिलियन का, ठीक है, 2 मिलियन का है तो उसकी, और अगर मैं अगर उसकी 15% डेप्रिसिएशन ही निकालूँ तो 3 लाख रुपए बनती है, तो क्या मैं उसकी 3 लाख रुपए टैक्सेबल डेप्रिसिएशन माइनस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, अगर मेरा कोई एसेट ऐसा है जो मैंने लीज के ऊपर लिया हुआ है, वो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट रेंटल्स दे रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी, ठीक है ना। टैक्स डेप्रिसिएशन उसके अगेंस्ट मुझे अलाउड नहीं होगी, मैं उसको एज अ टैक्स एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, ना मैं उसके अगेंस्ट कोई इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ये एसेट मेरा नहीं है। दूसरा, इसमें आपने देखा होगा एक फाइनेंस कॉस्ट भी चार्ज होती है, बैंक वाले आपसे फाइनेंस कॉस्ट भी चार्ज करते हैं, लीजिंग कंपनी वाले, वो फाइनेंस कॉस्ट भी मेरा टैक्स एक्सपेंस, मुझे एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो मुझे अलाउड क्या होगा, जो मैं लीज रेंटल्स पे करूंगा जितना भी रेंटल होगा वो रेंटल मुझे एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड होगा, और वो मैं अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकता हूँ, उसको डिडक्ट कर सकता हूँ अपने टैक्सेबल इनकम में से, ठीक है। 3 चीजें इसमें याद रखनी है एसेट एक्वायर्ड ऑन लीज के अंदर, किसके अगेंस्ट मुझे कोई टैक्स डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, दोनों अलाउड नहीं होंगे। दूसरा ये है कि उसके में जो फाइनेंस कॉस्ट वो जो चार्ज कर रहे होंगे वो भी बैंक वाले या लीजिंग कंपनी वाले, वो भी मुझे एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये मुझे मैं लीज रेंटल्स के अगेंस्ट जितना भी लीज रेंटल्स दे रहा हूँ, उनका एक बैंक और फाइनेंस कंपनी का एक शेड्यूल होता है, उसमें जो भी लीज रेंटल्स की पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा मुझे टैक्स एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स के अंदर कि अगर मैंने कोई एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउ कर दिया, मैं एक्यूरल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहा हूँ अपनी, ये कॉन्सेप्ट तो ज़रा एक्यूरल बेसिस में ही आएगा, अगर मैं कैश अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो ये सिचुएशन अराइज नहीं होगी कि अगर मेरी कोई ऐसी लाइबिलिटी या एक्सपेंस है तो 3 साल हो गए और मैंने उसको पे नहीं किया, सामने वाली पार्टी ने डिमांड नहीं की या मैंने खुद जो है वो उसके पैसे खा लिए और जो है ना वो टैक्स में एक्सपेंस क्लेम करता रहा और मैं किसी के पैसे देता नहीं हूँ, सबके पैसे खा जाता हूँ, जो कि पाकिस्तान में कौन से माशाल्लाह बहुत आम हो गया है, अल्लाह माफ करे, तो उस एक्सपेंस को मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हैंडल करूंगा उसको हम देख लेते हैं। देखें, अगर तो मैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहा हूं तो उसमें तो मैं अपने एक्सपेंसेस भी कैश, जो मैं कैश पे कर रहा हूँ वही ले रहा, जो सेल में जो टर्न ओवर है जो मेरे पैसे अकाउंट में मुझे मिल रहे होंगे मैं वही ले रहा, तो उसमें तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर मैं कर रहा हूँ एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग और उसमें मैंने रेंट का एक्सपेंस ले लिया,
साल का, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी बुक कर ली, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, रेंट लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और एक्सपेंस मुझे टैक्स वालों ने अलाउ भी कर दिया, ठीक है, आपका रेंट एग्रीमेंट है, इतने का अपने एक्सपेंस है, 3 लाख रुपए का आपका रेंट एक्सपेंस है, आपको हमने एक्सपेंस अलाउ कर दिया, ठीक है, आप उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम बनती है उसके ऊपर टैक्स दे। अच्छा, अब 3 साल हो गए मैं उसके पैसे खा गया, वो जगह मेरे पास है, ऑफिस भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शॉप भी बनाई हुई है, अच्छी सी डेकोरेट भी की हुई है, लेकिन इसको साले को पैसे नहीं दूंगा, रेंट मुझे नहीं देना, नीयत मेरी हो गई है ख़राब, तो टैक्स वाला क्या करेगा? टैक्स वाला जो है वो 3 साल तक इंतज़ार करेगा कि शायद जो है ये मुसलमान है, इसको गैरत आ जाए, इसकी नीयत साफ हो जाए और ये अपनी पेमेंट कर दे। अगर 3 साल बाद भी जो है वो मुझे गैरत नहीं आई और मैं जो है वो सुधरा नहीं, तो टैक्स वाला ये करेगा कि 3 साल के बाद जो है ये मेरी जो भी इनकम होगी इसको मेरे टैक्सेबल इनकम में दोबारा ऐड बैक कर देगा। देखो इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। एक टैक्स ईयर 2017 में, टैक्स ईयर 2017 के अंदर मेरी टैक्सेबल इनकम थी 5 मिलियन की, मेरी टैक्सेबल इनकम थी, ठीक है, टैक्स ईयर 2017 के अंदर मेरी टैक्सेबल इनकम है 5 मिलियन की, ठीक है। अच्छा, मैंने रेंट एक्सपेंस क्लेम कर लिया 1.5 मिलियन का, ये जो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम थी, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो मेरी टैक्सेबल इनकम थी वो बन गई 4.5 मिलियन। मैंने 4.5 मिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट को 2017 में टैक्स दे दिया, जो भी टैक्स बनता था, गवर्नमेंट का तो मैं पैसे खा नहीं सकता, तो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, टैक्स पेड कर दिया, ठीक है, 2017 में। अब मेरे जो मैं अपने पास जो अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ उसमें, लेकिन मैंने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर दिया, मैंने उस पर लाइबिलिटी खड़ी कर ली। लाइबिलिटीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेंट पेबल आ रहा है 0.5 मिलियन का टैक्स ईयर 2017 का। अभी 18-19 को छोड़ देते हैं, उसका भी जब मैंने 17 का खाया तो जाहिर सी बात है नीयत तो मेरी खराब ही है, मैं 18-19 का भी खा गया हूँगा, लेकिन अभी मैं 18-19 की बात नहीं कर रहा, ये 2017 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ टैक्स ईयर 2021 के अंदर, 3 साल हो गए, 3 साल पहले मैंने एक्सपेंस क्लेम किया था, 3 साल हो गए, ये रेंट एक्सपेंस जो है इस साल मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है 7 मिलियन। देख रहे हैं आप, खुद कमा रहा हूँ लेकिन किसी और को नहीं कमाने दूंगा, किसी के पैसे मैं नहीं दूंगा। अच्छा, अब टैक्स ईयर 2021 के अंदर मैं आ गया, मेरा जो रेंट एक्सपेंस था टैक्स ईयर 2017 का 0.5 मिलियन, वो मैंने अभी तक पे नहीं किया, मेरी बैलेंस शीट में टैक्स ईयर 2020 में खड़ा हुआ था। अब टैक्स वाला क्या करेगा, ये जो रेंट एक्सपेंस है 0.5 मिलियन, ये मेरी इनकम का रेंटल इनकम मान लेगा इसको, और ये मेरी इनकम के अंदर एड बैक कर देगा, ठीक है, ठीक है ना, तो नहीं दे रहा ना रेंट, नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, हमको टैक्स दे दे। अब जो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी वो बन जाएगी 7.5 मिलियन, और टैक्स वाला उससे टैक्स ईयर 2021 के अंदर 7.5 मिलियन के हिसाब से टैक्स लेगा, ठीक है। तो जो भी लायबिलिटी मेरी जो 3 साल के अंदर पे नहीं हुई, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरल से रिलेटेड। अगर मैंने एक्यूरल बिजनेस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है तो उसमें अगर मैंने कोई भी टैक्स एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस लिया है जो मैंने 3 साल तक एज एक्सपेंस ले लिया, क्लेम कर लिया, टैक्स वालों ने मुझे अलाउ भी कर दिया और 3 साल तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, तो 34 साल वो सारा का सारा एक्सपेंड मुझे 4th टैक्स ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा और वो मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही हमारा पहला सेशन जो है वो बिजनेस इनकम से रिलेटेड जो है वो ख़त्म हुआ। दूसरे सेशन के अंदर जो है हम स्टॉक इंट्रेड के ऊपर बात करेंगे, बैड डेट के हवाले से बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो मेरी बैलेंस शीट बनती है उसको हम पोर्टल पर कैसे बनाते हैं, और बिजनेस इनकम और एक्सपेंसिस को पोर्टल के ऊपर किस तरह हम डालेंगे, किस तरह उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी बेसिस पे किस तरह हमारी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाएगी। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।